नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू पांडे। मेरा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये है मेरी देसी रोज़ का पौधा। देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले की, लग रहा था कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन मैंने इसकी विशेष केयर करके और मेरे पौधे में देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग, पूरा पौधा फूलों से भरा है। अगर किसी भी पौधे को आप उसके हाल पे छोड़ देंगे तो आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको उसकी विशेष केयर देखभाल या उसको कुछ ये लग जाए, महसूस हो जाए कि हाँ उसमें कोई बीमारी या उसको कुछ पोषण की कमी हो गई है, तो उसके निदान के लिए आप भरपूर प्रयास करिए। और गुलाब तो ऐसा है, इसमें मैं चाय की पत्ती बराबर डालती रहती हूँ। चाय की पत्ती सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर है गुलाब की। और इसकी मिट्टी जो है ना, तो सूखी रहे और ना तो बहुत गीली रहे, इस तरह से हमेशा उसमें मॉइस्चर बना रहे। और इसके लिए आप और लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालिए, लेकिन चाय की पत्ती इसके लिए रामबाण का काम करती है। चाय की पत्ती गुलाब के पौधे के लिए सबसे अच्छी फर्टिलाइजर। हम तो वही ज़्यादा से ज़्यादा चाय की पत्ती निकलती रहती है, उसको धुल के सुखा के रखे रहते हैं, हफ्ता 10 दिन में एक एक चम्मच पौधों में डाल देते हैं। ये मेरा देसी रोज़ है, इसको मैंने खुद कटिंग लगाई थी और खुद तैयार किया था, इसलिए इसमें जब फूल लगते हैं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हाँ मेरे मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, ये देखिए, आज इसमें बहुत फ्लावरिंग हुई है। इसको मैं जो है रोज़ देखती हूँ, इसमें बारिश भर फूल आए हैं। उधर गर्मी में थोड़ा ख़राब हो गया था, जिसका कि मैंने एक वीडियो बनाया है और आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये जो है देखिए इतने सुंदर सुंदर फूल और कितने साइज के, ये देखिए ये वाला कितना सुंदर है, इसकी साइज देखिए। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।